करने वाले 2020 में होने वाले तीन बड़े क्लैश के बारे में। साल 2020 में काफी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है जिनके बीच हमें क्लैश देखने को मिलेगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़े सितारों की 6 बड़ी फिल्मों के बीच होने वाले क्लैश के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले बात करें फिल्म छपाक और तानाजी के बीच होने वाले क्लैश के बारे में। तो ये दोनों फिल्में ही 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। जहाँ छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली, वहीं तानाजी फिल्म में अजय देवगन नजर आने वाले हैं। छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का रोल प्ले करने वाली है। वहीं तानाजी द अनसंग वॉरियर में अजय देवगन तानाजी मालुसार का किरदार करने वाले हैं। दोनों ही फिल्मों में बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों के क्लैश का असर इन दोनों की कमाई पर पड़ने वाला है। नंबर 2, अब बात करें दूसरे बड़े क्लैश के बारे में, तो ये क्लैश देखने को मिलेगा बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की कोप आधारित फिल्म सूर्यवंशी अगले साल ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार की इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो रोल भी देखने को मिलेगा। वहीं अगले साल ईद के मौके पर ही सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह रिलीज हो रही है। सलमान खान की इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। सलमान खान की ये फिल्म एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। ऐसे में दोनों फिल्मों की कमाई पर भी असर देखने को मिलेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों का एक क्लैश टल भी सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। अब बात करें तीसरे बड़े क्लैश के बारे में, तो ये तीसरा बड़ा क्लैश ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 4 और अजय देवगन और रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म के बीच हो सकता है। हालांकि इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन खबरों की माने तो ये दोनों फिल्में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। ऐसे में इन दोनों के बीच भी क्लैश देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी 6 फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, साथ ही इन फिल्मों के आपसी क्लैश के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का आइकन दबाना ना भूलें और इस घंटे का आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।